मैं अपने से शुरू करती हूँ ताकि मेरी जान छूटे अच्छा, फिर तुम लोगों के ऊपर मैं फोकस करूं। ये मैं भी निदा का okay. मैं चखा हाँ तो मैं सो कह रही थी निदा अपने चाट मसाले में खूब साइड टार्टरी डाल दो हाँ। तो जो है बिल्कुल वैसा जायका अच्छा, अच्छा अब मैंने ना ये पहली दफा बना रही हूँ तुम लोगों के सामने, मैंने कभी नहीं बनाया। मेरी जो घर में जो बना रही है वो मेरी बेटी है, वो बना रही है। मतलब अभी जो हम रोज खा रहे हैं वो उसके हाथ का खा रहे हैं। सो अब केले इन्होंने रखे हुए मगर मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी मीठी चीज इसमें अच्छी लगेगी। और ठीक है केले मैं नहीं पसंद करूंगी इसमें डालना। क्यों? क्योंकि नहीं डालते इसमें सिट्रसी फ्रूट लगेंगे केले नहीं नहीं थे। जो मैंने खाया था ना उसमें तरबूज था, खरबूजा था, कच्ची कैरी टाइप जो आम होता है वो था, ताजा पाइनएप्पल था और आड़ू भी आप इसमें डाल सकते हैं। हमने आड़ू डाला था। आड़ू वो टेस्ट रियली नाइस। तो तुम क्या क्या डाल रही हो? एवोकाडो। मैं मेरे पास जो चीजें हैं ये आम लग रहा है मुझे। हाँ ये आम है ठीक है, वहाँ पे भी आम का मौसम था ना, मैक्सिका में आम मिलता है। और ये आड़ू है जो कि बहुत ही कच्चे हैं लेकिन चलो डाल देते हैं। नहीं सही है ताकि आड़ू सिट्रस है ना थोड़ा। और इसमें तुम वो क्यों नहीं डालती फिर, प्लम जो होता है वो आलूचा वो बहुत सॉफ्ट होता है यार, बहुत पानी छोड़ेगा, बहुत पानी छोड़ेगा, इतने पानी छोड़ेगा सारे जो ये फ्रूट्स बता रही हैं, तरबूज और खरबूज और पाइनएप्पल, ये सब सॉलिड फूड्स हैं, दे आर नॉट इजीली वो स्लाइम हो जाते हैं। जब ये वाली नहीं है सॉगी, आपकी कुछ फ्रूट चाट ऐसी होती है खासतौर पर केले वाले डले हो तो अजीब खिचड़ी बन जाती है, और आ जाता है केले नरम हो जाते हैं उसी। ये मेलन है, कोई भी मेलन जो मौजूद है वो डाले वो अच्छा लगता है, थोड़ा सा खटास। ये फोन बंद करो, किसका बज रहा है? हाँ और ये इन्होंने पूरे रख दिए लेकिन ये मुझे छुरी से काटने पड़ेंगे। अच्छा अभी मैं भी न्यूयॉर्क में थी तो ब्रुकलिन ब्रिज पे जब मैं गई थी हाँ। उनका ये स्ट्रीट फूड है, किसका फोन है हाँ। अच्छा वही मैक्सिकन, उन्होंने कैरी काट के लंबे लंबे स्लाइसेस हाँ। करके उसपे ये तहीन स्प्रिंकल करके, उसमें कोई जूस वगैरह नहीं था बट वो भी इतने मजे हाँ। का खाली कैरी, खाली कैरी थी इतने बड़े प्लास्टिक कप में और उसमें ये तहीन पूरी स्प्रिंकल। अच्छा थाईलैंड में होता है ये कैरी वाला ना बड़े हाँ। अच्छा देखो जब हम लोग कैरी खाते तो नमक, मैक्सिकन नमक और लाल मसाला ये दोनों मिलाकर हम जो है वो कैरी खा रहे हैं। देखो यहाँ पे जो है फिर कैरी इतनी नहीं मिलती लेकिन यहाँ पे अमरूद इमली कैरी बहुत मिलती है, वैसे बड़े मजे का लगता है। यहाँ पे इमली में मसाला लगा के खाते हैं, कैरी सीजन में मिलती है वहाँ पे, मुझे लगता है पूरे साल मिलती है कैरी। क्या पूरे साल? इमली नहीं होती लंबी सी पतली, क्या उसको कटारे कहते हैं? कटारे, उसपे भी तो मसाला लगा के खाते हैं। आलू बुखारे पे भी खाते हैं जो बिरयानी में मिलते हैं आलू बुखारे, आप वो तो आते हैं। खाली पीच के ही बना लो, अगर फीके पीच हो ना आड़ू उसी के अंदर ये चाट मसाला, नींबू, थोड़ी शक्कर और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा, अनारदाना भी अच्छा लगेगा वैसे हाँ, हाँ, अच्छा है। और जो स्वीट शक्करकंदी, एक्चुअली अनार भी इसमें बहुत अच्छा लगे। यस हाँ तुम सही कह रही हो, याद आ रहा है भाई। देखो जो ये वाली वो बात है, खास तौर पे मैं उन मम्मियों को कह रही हूँ जिनके बच्चे फ्रूट नहीं खाते, बच्चे फ्रूट खाने में बहुत तंग करते हैं, नहीं खाते, सो ये बहाने हैं उनको चटपटे फ्रूट खिलाने के। जो मौसम हो आई थिंक फाल से भी अच्छे लगेंगे, इसमें खट्टा खट्टा है तो शायद। मेरा तो एक ना एक बच्चों को ना फ्रूट खिलाने का एक मेरा टोटका है जो सब जो मजाक उड़ाते हैं, मैं कहती हूँ इनको भूखा रखो, इनको कुछ नहीं दो खाने को, जो अवेलेबल होगा ना और सामने एक फ्रूट का बाउल रखा हुआ बॉल हाँ। तो ये जरूर खाएंगे फिर फ्रूट, क्यों नहीं खाएंगे? और उनके सामने खुद खाओ और मजे ले ले। जब आप घर में बार बार बाबा फ्रीक्वेंसी से जो चीज घर में बनती है भाई, क्या तुम लोगों को चटपटा चाहिए ज्यादा? चटपटा यस प्लीज। अच्छा इसमें तो मिर्ची नहीं है, खट्टा ज्यादा है, ये देख लो। यू विल हैव टू ऐड मोर। लेकिन मैंने हां मैं करूंगी, अब घर जाकर नीचे इसको बनाऊंगी। आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माय वोकल कोर्ड। अच्छा तुम मैं बताओ, तुम मैं खट्टा खाती हूं ना मेरे फौरन गला खराब हो जाता है। हां सेम है। मगर मैंने ये खाया ना मेरा नहीं हुआ, नहीं। तो ये अब मैंने, मेरी कजन आ रही है, मैंने अपनी कजन को सुबह ही उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आ रही हूँ 18 को, मैंने कहा मेरे लिए ये लेती आइएगा ये खत्म हो जाएगा आज शो पे, मैंने ये तो वहाँ पे हर ग्रोसरी स्टोर में मिलता है। नहीं हर ग्रोसरी स्टोर में नहीं मिलता, मैक्सिकन ग्रोसरी मैंने टारगेट से लिया था, वॉलमार्ट में भरा पड़ा यार मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा टारगेट पे एक ही बोतल मिली मुझे। ये नहीं मैं उसकी बात कर, नहीं ये तो मुझे मैक्सिकन स्टोर से मिली है, ये तो मैंने देखा ही मिल जाता है और ये भी हर जगह से नहीं मिलता। ये क्या है? ये भी खट्टा है, ये जो सिर्फ है ये क्या फ्लेवर है? सुनो इसको भी ना जो हमारी टबास्को सॉस डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में भी चखा ना अलग से,
उसी को तुम थोड़ा सा उसमें हल्का सा बस पानी मिला दो, माइल्ड कर दो, बट पानी नहीं तो हल्का सा उसमें केचप कर दो, खटास कर दो। अच्छा, अब ये सॉसेस डालने के बाद लेमन स्क्वीज किया हुआ है मैंने, लेमन अल्लाह ये पूरे बीज के साथ स्क्वीज करके ले आए, लेमन स्क्वीज किया है मैंने, वो तो ताजा ताजा चटपटा, लेकिन ये भी तो खैर ताजा ही है जो स्क्वीज। नहीं नहीं, मतलब इन द सेंस के लाइक इट्स ओके निदा, जस्ट ऐसे ही डाल दो, हम थोड़ा केयरफुली खा लेंगे। हां बहुत टाइम लग रहा है खाने को, दे दो। जो शक्ल है ना वो बता रही है। सेब भी तो डालूंगी, सेब मुझे कुछ हो रहा है, डाल दो सेब। हां हां, अरे डालो सेब तो। अच्छा मैं चख के देखूं। हां चखो। मुझे तो चटपटा पसंद है। एवोकाडो भी होते हैं और डिफरेंट फल भी होते हैं। एवोकाडो मैंने वही कहा ना, बहुत नरम वाला फ्रूट है। स्टार फ्रूट वहाँ तो मैंने नहीं देखा। स्टार फ्रूट क्या है? Star fruit is a, वो पाकिस्तान में आराम से मिलता है, वो स्ट्रीट फूड है। हाँ अच्छा, चलो वैसे अपने पे चम्मच लेकर आओ सब। इसमें अमरूद भी अच्छा लगेगा बहुत, ये कह रही सिर्फ एक चम्मच खाओ, ज्यादा नहीं, प्लेटें नहीं लाओ, सिर्फ चम्मचे लेकर, चम्मच लेकर आओ, ज्यादा नहीं मिलाएगी, बाद में खाएगी। आ जाओ, ये दो चम्मच है जो मैंने पहला चम्मच वो है, प्लेट ना लाए, सिर्फ चम्मच से चखो ताकि तुम बाद में खाओ। नहीं मैं नहीं, तुम लोग भी खाओ यार, मैं बोल्स भी है, आओ चखो जरा, पता नहीं सही से मिक्स हुआ है कि नहीं। कुछ मसाला और डालूं या सही है? मैंने सेब इसलिए मिलाया तो जरा मसाला कम आए। नहीं डाल सकती हूँ वैसे मसाला। हाँ बोले तुम लोग खा लो। अच्छा थोड़ा नीचे से लो ना। अच्छा इसमें मैं डरी थी, एक्चुअली वेरी गुड, इसमें थोड़ा सा मिठास, हल्की सी मिठास हो तो बनाना नहीं मैंने देखा कहीं भी। उसकी वजह ये कि मैं इसको मिक्स किया ना, बड़े मजे से मिक्स किया, अगर बनाना होता तो वो सारा अजीब खिचड़ी बन जाता। कैसा है? मजे का, बहुत मजे का, वेरी नाइस। ये ऐसा है कि ये आपको क्रेव करेगा, ये लग जाएगा मुंह, बहुत मजे का, लग नहीं जाएगा, लग गया, लग गया। पाइन एप्पल मुझे बहुत ताजे पाइन एप्पल जो है ना, अब उनसे कहिएगा ये दो बॉटल्स हमारे लिए भी पसंद है। अच्छा फ्रेश पाइनएप्पल मुझे वैसे ही पसंद है। हमारे जो व्यूअर्स है ना, तुम अभी कह सकती हो उनसे, वो ट्राई कर सकते हैं थोड़ा बहुत तुम्हारी रेसिपी का रेप्लिका, जो एडी वाली बात है कि चाट मसाले में थोड़ा टाटी डाल दें और थोड़ा सा इसके अंदर टबैस्को जो सॉस है। चाट मसाले से डिफरेंट आ रहा है ना फ्लेवर, तुम लोगों को लग रहा है वो दोनों मिक्स हो गए ना, तो इस वजह से मुझे और नहीं पता। इसके टबैस्को सॉस के अंदर थोड़ा सा, नो इट्स नॉट टबैस्को, मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा बहुत 19-20 मतलब थोड़ा सा उसके अंदर इतना सा आप डाल दे टोमेटो केचप और थोड़ा पानी। अब चखो ऐसे रो अलग से, मैं जब तक नहीं आ रही ना मार्केट में तो हम वो कर रहे हैं कि रिदा की इसकी निदा की रेसिपी। बट आई थिंक इसको आप रेप्लिकेट टबैस्को से नहीं कर सकते, उसके एक बहुत स्ट्रांग उसका फ्लेवर और स्मेल होती है। इसमें मिर्ची नहीं है, आप रेगुलर चिली सॉस से बना सकते हैं। इसमें मिर्ची नहीं है, थोड़ा सा टोमेटो केचप और पानी मिला। इफ यू वांट टू वॉच मोर एंड गेट अपडेटेड सो फॉलो एआईवाई डिजिटल्स यूट्यूब पेज।